हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं स्प्रे पेंटर और ग्राइंडर मैन के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। स्प्रे पेंटर लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसा स्प्रे पेंटिंग करना है। दोस्तों, हम लोग को स्प्रे पेंटिंग करते समय स्प्रे गन सही से आपको हाथ का बैलेंसिंग रखना है और इक्वली हमको पेंट करना है। ये ना हो कि हम कहीं हमने ज़्यादा स्प्रे कर दिया और हमने कहीं कम कर दिया, उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी लॉस होगा और पेंट भी ख़राब होगा। ओके, क्योंकि पेंट करने के बाद उसका माइक्रोन टेस्टिंग होता है, उसका हम माइक्रोन टेस्टिंग करते हैं एज पर क्लाइंट के हिसाब से उसका क्या रिक्वायरमेंट है। 150 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, 250 माइक्रोन, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैनुअली चेक हो रहा है कि कितना थिकनेस हमको स्प्रे पेंटिंग करने के बाद हमको मिला। ओके, जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो ये इंस्पेक्शन होता है, तो हमको ऐसे ही करना है कि हम पेंटिंग करते समय देखें कि हमको थिकनेस इक्वली हमको मिलना चाहिए, ये ना हो कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा। इसका पेंट ड्राई होने के बाद हम लोग इसका DFT मीटर से चेक करते हैं माइक्रोन। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कई जगह पे यहाँ पे पेंट हुआ है और कितनी जगह पे मिस हो गया है, पेंटिंग के टाइम पे काफ़ी जगह छूट गया है। तो ये सारी बातों का स्प्रे पेंटर लोग ध्यान से रखें। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्राइंडर मैन के लिए। देखो, AG5 जैसे कि अभी ये विजुअल कर रहा है, वो सेफ्टी हेलमेट, फेस गार्ड और AG ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड होना बहुत ज़रूरी है, हैंड ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। खास करके ग्राइंडर मैन लोगों को भी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ऑफशोर में वर्क कैसे होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि कोई भी मटेरियल अगर फैब्रिकेशन यार्ड में फैब्रिकेशन होता है, स्ट्रक्चर है, पाइपिंग है, वो सारा शिप के थ्रू ही वहाँ पे जाता है और जो हमारा क्रेन है वो एक शिप पे ही स्टेबल रहता है। वहाँ पे उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ही रिगर फायरमैन के द्वारा स्ट्रक्चर या पाइपिंग इरेक्शन होता है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि ऑफशोर में जो लोग नहीं गए हैं वो लोग देख सकते हैं कि कैसा क्या काम होता है। मरीन के जो लोग होते हैं उनको स्पेशली ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसका नाम है STCW, सेफ्टी ट्रेनिंग एंड की पचिंग, कि समुद्र में क्या क्या सेफ्टी रखनी है जाने के बाद। आई थिंक जो ऑफशोर में जिन्होंने काम किया होगा उनको ये मालूम होगा, उनके लिए भी वो लोग सर्टिफाइड रहते हैं, ओपिटो सर्टिफाइड है और टी बोशिट है, उनके पास ये सारी ID वगैरह होती हैं ऑफशोर में काम करने के लिए। तो जितने भी इसमें स्टाफ लोग हैं, डेली का रिपोर्टिंग, मैन पावर हैंडलिंग, मटेरियल का शिफ्टिंग, सारा कुछ शिप के जा रहे हैं, सारा रिपोर्टिंग करना, क्लाइंट को वेरीफाई कराना, इंस्पेक्शन कराना, सारा कुछ हम लोग शिप के थ्रू ही अलग अलग शिफ्ट में हम लोग वहाँ पे साइट पे जाते हैं। तो फ्रेंड लोग, वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा होगा स्प्रे पेंटर लोग और ग्राइंडर मैन लोग, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको मैं एक नई वीडियो के साथ भी मिलूँगा, एक नया वीडियो लेके। तो आपको टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आपने इसमें देखा होगा मैं आपको आसान भाषा में समझाया कि ऑफशोर में कैसे वर्क होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को अच्छा एंजॉय किए होंगे आज आपने।